हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है ना वो ज्योमेट्री पे है और वही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं हम। सेम वही चल रहा अभी, कॉन्गेंट ट्राइंगल्स और उसकी प्रॉब्लम्स ही चल रही है ना। अभी ये प्रॉब्लम है, आप इसे पढ़िए, रीड करिए। और ये आपने डेफिनेटली देखा होगा, अगर आप ओलंपियड की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा। और इसको मैं एक से ज़्यादा तरीके से प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ट्राई करते हैं, है ना? ये मतलब वन ऑफ द फेवरेस्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए सोचा इसको शेयर किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, इसकी जो साइड है वो क्या है, 1 यूनिट। इस स्क्वायर की साइड क्या है, 1 यूनिट, है ना? और ए पी क्यू ट्राइंगल, ये ए पी क्यू ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है, 2। तो देखिए, अगर ये पूरा 1 है, इसको पेन से मार्क करता हूँ ताकि ये बारीक रहे थोड़ा सा। ये वाला पूरी साइड मेरी अगर क्या है, 1, ठीक है? अब ये 1 है, मैं इसको ए मान लूं तो ये 1 माइनस ए हो जाएगी, है ना? सेम अगर मैं इसे बी मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस बी। इतना समझ में आया, है ना? अब ये बी है, ये 1 है, तो ये रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगी, है ना? ये ए है, ये 1 है, तो ये रूट ऑफ कितनी बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 1, है ना? अब देखिए, ये दोनों का सम, ये इस पूरे ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कितना है, 2। मतलब अगर मैं इसे एक्स मानूं तो 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी और प्लस एक्स, ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो x मेरा जाएगा a प्लस बी, एक्स क्या जाएगा, a प्लस बी। मतलब ये साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, a प्लस बी, ठीक है? अब देखिए, अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब मैं ट्राइंगल APQ में, ट्राइंगल APQ में मैं सबसे पहले लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ए और बी, बी के बीच में एक रिलेशन आएगा और वो क्या होगा, ये आएगा मेरा रिलेशन, क्या आएगा, बी इक्वल टू 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए। क्या किया है मैंने, इसको ओपन किया है, ओपन करने पे ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है? इसके बाद में इन सब टर्म्स को लिखा, 1 प्लस 1 2, माइनस 2a माइनस 2b और यहाँ पे 2ab, ये 2 सब कैंसल्स हो रहे हैं, ये 2 कैंसिल हो गए हैं, है ना, कॉमन लेके। और फिर यहाँ से मैंने क्या किया है, बी और ए बी वाले में से बी कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए, ये डिवाइड में आ गया, तो b कितना हो गया, 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए, ठीक है? अब मुझे एंगल फाइंड करना है थीटा, है ना? अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं इसमें जो पहली मेथड है उसमें क्या लगा रहा हूँ, कोसाइन लॉ, है ना? सबसे जो आपका मतलब जनरली क्या है, बच्चों को जब बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उनको जो पहला चीज़ दिमाग में आता है वो क्या होता है कि कोसाइन लॉ लगाना है इस पे, और उसकी हेल्प से आप क्या है कि ये एंगल निकाल सकते हो। और ये सही भी है, मेथड बिल्कुल सही है ना, कि आपको अगर साइड्स कुछ गिवन है और एंगल फाइंड करना है, एक एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कोसाइन लॉ ही होता है और बेस्ट वे वही होती है, ठीक है? अनटिल अनलेस आपका दिमाग बहुत शार्प हो और आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो, अगर आपके बेसिक्स बहुत सॉलिड है ना, डेफिनेटली आप इससे ईजी मेथड क्रैक कर सकते हो, है ना? क्योंकि आपने घर पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की होगी बेसिक मेथड्स की, है ना? इसलिए, ठीक है, तो अपन कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं, है ना? और कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर का सम, है ना? ये साइड दोनों के स्क्वायर का सम माइनस इस साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये साइड इंटू ये साइड। आप चाहो तो कोसाइन लॉ का प्रूफ देख सकते हो, ये ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट में है, है ना? एक और है ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट, प्री आर एम ओ आर एम ओ एन एस एस वो वाली करके, ठीक है? उसमें तो कॉस थीटा कितना होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1,
प्लस बी स्क्वायर प्लस वन और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टू इंटू ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो टू इंटू रूट के अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा मेरा। अब देखिए b की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूँ इसी चीज़ को, तो ये चीज़ क्या आ रही है मेरी, ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, वन प्लस वन टू हुआ है और टू माइनस टू ए बी आ रहा है, ये आ रहा है टू माइनस टू ए बी, और डिवाइड में आ रहा है ये टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन और रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू रखूँ और सॉल्व करूँ, इससे बेटर है मैं है ना b की वैल्यू से बी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वो थोड़ा सा आसान होगा। तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालूंगा, सबसे पहले क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा वन माइनस ए बाय वन प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं प्लस वन करूँगा बोथ साइड, तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा मेरा, हाँ ये आएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है। वन प्लस बी स्क्वायर ये लिखा, एलसीएम लिया तो वन माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये वन प्लस ए यहाँ पे, तो वन प्लस ए का होल स्क्वायर, जब इसे ऐड करोगे तो माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर आता है ऊपर, और नीचे वन प्लस ए का होल स्क्वायर, ये है मेरा वन प्लस बी का स्क्वायर। अब चाहो अगर बोथ साइड रूट ले लो, तो ये सेम रूट लेने पे ये कितना हो जाएगा, ये वाला वन प्लस ए बाहर आ जाएगा और ये वाला अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रखना है ना। इसके बाद यही स्टेप, ठीक है, मैंने क्या किया है, बस यही सेम रिजल्ट को, जो रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये टू आप कॉमन ले लीजिए, ये आ रहा है वन माइनस ए, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है वन माइनस ए बाय वन प्लस ए, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, ये टू वन प्लस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, टू इंटू वन प्लस ए स्क्वायर और वन प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये वन प्लस ए का होल स्क्वायर वन प्लस ए होगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऐसा करके ये ऊपर आ जाएगा, है ना। ये वन प्लस ए यहाँ से एलसीएम लेके ये वन प्लस ए ये ऊपर आने वाले इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये अभी देखते हैं क्या क्या होता है, ये टू से ये टू कैंसिल हुआ, ये रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर के साथ मिलके ये कितना बन गया, नीचे वन प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या स्टेप आएंगी फाइनल आपकी, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला जो वन प्लस ए है ना, ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ये जो इसका होके ऊपर आया था, ये वाला वन प्लस ए है, ये नीचे वाला है, ठीक है। इसको मैं मानू कि ये नंबर क्या है, टू है ना, तो ये है मेरा नंबर टू, ये वाला है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये लिखा है, और ये वाला है, ये ऊपर वाले का एलसीएम वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये है, अब देखिए ये ए से ए कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर, और ये वन प्लस ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये वन प्लस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आएगा रिमेनिंग वो कितना आ जाएगा, वन बाय रूट टू, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर आपका वन बाय रूट टू होता है, कॉस थीटा कितना होता है, वन बाय रूट टू, तो आप थीटा बोल सकते हो, थीटा क्या होगा, थीटा होगा मेरा 45 डिग्री, ये थी इसकी पहली मेथड, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था पर कॉम्प्लिकेटेड इतना ज्यादा नहीं था, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम से बी और ए के बीच में रिलेशन निकालना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है,
एक वेरिएबल में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। और एक और मुझे गिवन कंडीशन हेल्प कर रही है, और वो क्या है मेरी, इसका पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर कांस्टेंट है इसीलिए ये ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग सकते, इसीलिए ये एंगल कांस्टेंट है। ठीक है, पैरामीटर के कारण। ठीक है, एक और मेथड देखते हैं बस। हाँ, तो इसकी जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, एरिया, थ्रू एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, पर एरिया के लिए भी मुझे जो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी वो क्या होगी भाई, जो रिलेशन था जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला हुआ था, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने जो बी की वैल्यू निकाली है वो तो मुझे ज़रूरत में है। ठीक है, अब ये एरिया वाली मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे वो इंटेलिजेंट तो है, मतलब माइंड शार्प है, पर उन्हें कोसाइन लॉ याद नहीं है, या कोसाइन लॉ गलती से उन्हें नहीं पढ़ा है। अगर कोसाइन लॉ नहीं पढ़ा है तो वो कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो एरिया से जा सकते हैं, क्योंकि एरिया कंसेप्ट कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना। इस बेसिक कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे डेफिनेटली इससे भी आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें राइट ट्राइंगल्स काफ़ी बन रहे हैं। ठीक है ना, सो लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक आपका क्या है कि ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये आपका सेकेंड ट्राइंगल है, ये आपका थर्ड ट्राइंगल और ये फोर्थ ट्राइंगल है। ठीक है, तो आपके चार ट्राइंगल्स हैं, मैं चारों ट्राइंगल्स को एक और बार नाम दे देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, ये एक सेकेंड, ये आपको दिखेगा ही नहीं, ये है आपका फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका थर्ड और ये है आपका फोर्थ। ठीक है, तो जो स्क्वायर का एरिया है, जो स्क्वायर का एरिया है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया, ये कितना होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, है ना, ऐसा ही होगा, है ना। तो मैं फोर्थ वाले का एरिया निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा, फर्स्ट में से बाकी सबका एरिया घटा के। ठीक है ना, या फिर मैं ऐसा करूँ कि इस हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, इस हाइट को क्या मान लेता हूँ, एच, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मेरी हाइट एच आ गई, ठीक है, अगर मेरी हाइट एच आ गई तो हाइट और ये वाली लेंथ क्यू सी, क्यू सी की लेंथ मेरे को पता है, क्यू सी की लेंथ है कितनी, 1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर। तो हाइट बाय हाइपोटेनियस, हाइट बाय हाइपोटेनियस से कॉस थीटा मेरा आ जाएगा। भाई कोसाइन लॉ का जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, पर ट्रिग्नोमेट्री का कॉस थीटा तो पता होगा, वो क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ भी देर नहीं करते हैं। पर इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 इंटू 1, ये कितना होगा, 1। अब पहला, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, हाइट है 1 और बी से कितना, ए, तो ये हो जाएगा ए, ए बाय 2 प्लस सेकेंड वाले का हाफ, ये वाला, ये इसमें क्या है, हाइट आपकी है 1 माइनस ए और ये बेस मेरा क्या था, 1 माइनस बी था, ये था 1 माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए, 1 माइनस बी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, 2a बाय a प्लस 1। तो मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ 2a बाय 1 प्लस a, ये मेरा हुआ सेकेंड वाला। अब ऐसे ही जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला क्या होगा, हाफ और ये 1 और बी कितना है मेरा, ये है 1 माइनस ए बाय 1 प्लस ए। ठीक है, और फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला होगा 1 बाय 2, ये h हाइट है और ये बेस कितना था, रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मेरी ये आई थी लास्ट के कैलकुलेशन में। ठीक है, सो ये लास्ट का कैलकुलेशन था। तो मैंने क्या किया, पुराने जो कुछ कैलकुलेशन है वो यूज़ किए, लेकिन बस कोसाइन लॉ की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, एरिया। ठीक है, इसलिए मैंने, है ना, बैकग्राउंड में कोसाइन लॉ अप्लाई करने से पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन सारे करके बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद कोसाइन लॉ अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये अभी मेरी ये बेस है मेरा कितना है, वो आ रहा है रूट के अंदर 2 टाइम्स 1 प्लस a स्क्वायर बाय 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं हाइट निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने पे जो मेरी हाइट आ रही है वो आ रही है, हाँ देखिए
ये हाइट कितनी आ रही है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, कैसे क्या है, वैल्यूज रखी हुई है। इधर देखिए, ये मैंने ए लिखा है और इन दोनों में से 1 - a / 1 + a कॉमन ले लिया है, ये वाली और इस वाले में से, है ना। तो पहले वाले में से 2a बच गया और सेकेंड वाले में से क्या बच गया, 1, है ना। इसमें से क्या बच गया, 2a, और इसमें से 1, तो ये 2a + 1। ठीक है, और ये कॉमन ले लिया। अगले वाली मैंने वैसे के वैसे लिखे, सारे में से 1/2 कॉमन ले रखा है। ठीक है, ये 1 + a का होल स्क्वायर था, 1 + a बाहर निकाल लिया। इसके बाद में मैंने 1 + a का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो a * 1 + a, दैट इज a² + a, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिखा है ना, a² + a। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 2a + 1 - 2a² - a² + हाइट इंटू ये वाली चीज, 2 * 1 + a² का रूट। अब ये a + 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2a + 2, और इसको सॉल्व किया तो -a² + 2a + 1 प्लस हाइट इंटू रूट ऑफ 2 * 1 + a². ठीक है, अब इस पूरी टर्म को इस तरफ लाया हूँ, ये a² + 1 हुआ है, एच इंटू रूट ऑफ 2 * 1 + a², हाइट मेरी कितनी आ गई, रूट ऑफ a² + 1/2, ये मेरी हाइट आई है। अब आप सोचिए, ये जो मेरा राइट ट्राइंगल है, ये मेरा जो राइट ट्राइंगल है, इसमें जो कॉस थीटा होगा, जो मेरा कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, हाइट बाय मेरी हाइपोटेनियस, हाइट बाय हाइपोटेनियस। अब हाइट हाइट आ रही है मेरी कितनी, रूट ऑफ पूरा रूट ऑफ a² + 1/2, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितनी आ रही है, रूट ऑफ a² + 1। ये a² + 1 ये वाली हाइट कैंसिल हो जाएगी और 1/√2 बच जाएगा, ये रूट के अंदर है 2, ध्यान रखना है। तो ये कॉस थीटा कितना आ जाएगा मेरा, 1/√2। ठीक है, स्टिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लेंदी, पर फिर भी फाइनली हमने आंसर तो पता कर लिया। अब आप अगर शार्प माइंडेड हो तो डेफिनेटली आप स्टेप से क्रिएट कर लोगे और कम से कम टाइम में इसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, चलो एक और मेथड देखते हैं। हाँ, अब इस नेक्स्ट मेथड का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट मेथड है मेरी, ये है मेरी थ्रू कॉन्ग्रेंसी। किसके, कॉन्ग्रेंसी से, क्योंकि एक्चुअल में जो चैप्टर चल रहा है वो मेरा कॉन्ग्रेंसी वाला चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रेंसी से कैसे करेंगे, ये तो ये देखने के लिए आपको पैरामीटर्स तो सारी पता है ना, ये ए है 1 - a है, ये बी है, ये 1 - b है ना। अब दोनों साइड का सम प्लस ये साइड कितनी है, एक्स 2 है, गिवन है, तो x कितना आ गया था, a + b, तो हमने पहले भी देखा था, है ना, और ये मेरा 1 + b² है। ठीक है, और आप देखिए, आप मान लीजिए ये वाला एंगल मेरा मान लीजिए 1 है, और ये वाला एंगल मेरा कितना है, 2 है ना। अगर मैं यही लेंथ b, ये जो इस तरह बन रही ये b लेंथ, ये वाली लेंथ मैं इधर ड्रॉ कर दूं, ये इधर ड्रॉ कर दूं, तो क्या होगा, है ना, सेम पॉइंट से इसको ज्वाइन करो, है ना। अब देखिए, ये भी है, ये भी है ना, ये 2 है, ये 1 है। अगर मैंने ये 1 ड्रॉ किया, ये b ड्रॉ किया है, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ 1 + b², ये मेरी लेंथ, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, रूट ऑफ 1 + b². ठीक है, और ये एंगल 2 है, तो ये एंगल भी 2 ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ये ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब आप ये दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कीजिए, ये है ए बी सी और डी, और इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, तो सी पी क्यू ट्राइंगल पी सी क्यू को कंपेयर कीजिए, पी सी क्यू, और ये वाला इसको आप आर मान लीजिए, तो आर सी पी को ट्राइंगल आर सी पी को आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए पी सी साइड कॉमन आ रही है मेरी, पी सी साइड कॉमन आ रही है, ये मेरा आर सी और ये क्यू सी इक्वल है, और ये साइड ए प्लस बी है,
ये वाली साइड भी ए प्लस बी है, इसका मतलब क्या, पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, ये वाला आर पी, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू ये कितना है, एंगल थीटा है ना। अब आप इस ट्राइंगल इसमें देखिए, ये स्क्वायर में, स्क्वायर में वन प्लस टू प्लस थीटा, ये वन प्लस टू प्लस थीटा ये कितना है, 90 है, और ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब हर कोई एंगल कितना कितना हो जाएगा, 45 45, कितना हो गया 45 45, थीटा कितना आ गया 45। अब देखिए कितनी बेसिक वो थी, मतलब एक्चुअली मैं लास्ट मेथड के लिए मेरे पास में कम स्पेस बचा था और उसमें भी काफी स्पेस बच गया, ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार आप ऐसी चीजें जब आप किसी एग्जाम में लिख के आते हो ना, ये बहुत ही डेलिकेट प्रूफ लगता है, मतलब लगता है कि हाँ ठीक है यार, बच्चे को क्लिक तो किया, मतलब उसने बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ें जो है बच्चे जनरली अप्लाई करते हैं, कोसाइन लॉ और एरिया ये सब, इसकी जगह उसने कॉन्ग्रेंसी यूज़ की, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन यूज़ किया, मतलब उसको एक अलग डायमेंशन में भी चीज़ें दिख रही हैं, वो इतना विजुलाइज कर पा रहा है कि ये ट्राइंगल को अगर मैं ये यहाँ पर उठा के रख दूँ तो ये वाला और ये वाला मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। यही चीज़ें मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बताना चाह रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर मैंने 7th में पढ़ा है, मैंने 8th में पढ़ा है, और एक बच्चे ने तो ये भी लिखा था कि सर आप इतने इजी क्वेश्चन को चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, देखो चैलेंजिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस है, चैलेंजिंग पार्ट लर्निंग प्रोसेस है, प्रॉब्लम चैलेंजिंग नहीं होता। प्रॉब्लम तो ऐसा होता है आपसे बन रहा होता है या नहीं बन रहा होता, सी सी बात है ना। प्रॉब्लम इजी और डिफिकल्ट नहीं होता, या तो आपसे बन रहा होता है या तो आपसे नहीं बन रहा होता है ना। क्योंकि जो जिस प्रॉब्लम को आज आप इजी बोल रहे हो, उसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाके गलत करके आओगे और बोलोगे कि सर सिली मिस्टेक हो गई। तो आप सिली मिस्टेक का क्या मतलब है ना भाई, या तो आपको क्वेश्चन आता था आपने सही किया, या तो आपको नहीं आता था आपने गलत किया, उसी चीज पे मार्क्स डिपेंड करेंगे ना। ये अंदाजा लगाना कि ये इजी क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपकी इसलिए जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक, हर चैप्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, कॉन्ग्रेंसी चैप्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना कोसाइन लॉ, ना एरिया, ना कुछ, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी में आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बस सोचते आना चाहिए कि किस ट्राइंगल को उठा के मैं कहाँ पे रखूँ ताकि मेरा ये कॉन्ग्रेंट हो जाए। पहली स्टेज में आपको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स नहीं दिखेंगे, तो आपको इस तरीके से सोचते आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपको लग लग जाएगा आपका जो प्रश्न का उत्तर है। एक बहुत ही जो कठिन प्रश्न पूछा जाता है कि सर मुझे कैसे क्लिक करेगा कि ये यहाँ पे उठा के रखना चाहिए था, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे, सोचने लग जाओगे, तो आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा। इसलिए मैंने काफ़ी 7-8 प्रॉब्लम डिस्कस किए हुए हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन बेस पे, ये कंस्ट्रक्शन आपको एक बार अप्लाई करते आने लग जाए, तो आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, गुड लक, जय हिंद।